तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो मेरा फिजिकल हो चुका है, जो बटालियन 195 बैकुंठपुर था, BSF कैंप, वहाँ पे मेरे 16 का फिजिकल था जो हो चुका है। मेरे साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, बहुत सारा भाई का कमेंट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है, कुक का सर्टिफिकेट कैसा लग रहा है, सब आपको इस जानकारी में हम आप लोगों को देने वाले हैं। और हाइट क्या लग रही है, चेस्ट क्या लग रहा है, सब आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं जानकारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह में मेरे को एंट्री वहाँ पे 4 बजे हो चुका था, जो बटालियन 195 है वहाँ पे मेरे को सुबह 4 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो मैं एंट्री कर लिया था सुबह में ही 4 बजे, और रनिंग बारिश होने लगा तो रनिंग थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हुआ, और लेट होने के बाद रनिंग भी हो चुका था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एंट्री होने के बाद, एंट्री पे के टाइम आप लोगों को आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, दो चीज़ ही चेक किया जा रहा है। और उसके बाद आप लोगों को ले जाएंगे वो लोग, ले जाने के बाद हाइट, जो रस्सी रहता है, हाइट नापा जा रहा है। और जो रस्सी में, मतलब जो रस्सी में अगर कोई बंदा कम हो रहा है तो उसको ले जा रहे हैं मीटर पे और नापते हैं। उसके बाद मतलब को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके हाइट नापने के बाद बैच बनाया जा रहा है। तो बैच मेरे जो बटालियन 195 था वहाँ पे एक ही बैच बना था, जो 234 लड़कों का, सब लड़के हम लोग 234 पहुँचे थे, वहाँ पे एक ही बैच बना था, जिसमें कि 234 बैच में से वो लोग बोले, देखिए मैं बता दूँ, रनिंग का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है जैसे इधर से जाना है और 2.5 किलोमीटर के ग्राउंड है, जैसे 2.5 किलोमीटर एक तरफ से जाना है, वहाँ पे टोकन मिलेगा और वहाँ से आना है। तो 234 लड़कों का बैच बना और रनिंग स्टार्ट बोल दिया गया स्टार्ट। और पानी लेकर BSF का जो जवान थे वो वहाँ पे मोड़ पे 4-5 जगह पे थे, वहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था था। तो रनिंग स्टार्ट हो गया और वहाँ पे हम गए, तो मेरा समथिंग 10-10.5 मिनट का लगा 2.5 किलोमीटर जाने में, और वहाँ पे हमको टोकन दिया वो लोग। उसके बाद मैं आ गया रिटर्न, तो मेरा रनिंग 21 मिनट 32 सेकंड में कंप्लीट हो गया 5 किलोमीटर, और उसके बाद वो लोग बैठा दिए हम लोगों को। तो 234 में से टोटल बंदे जो हुए थे सिलेक्ट, जो रनिंग पास आउट हुए थे, उन वो 171 लड़के हुए थे, और जो बाकी सारे लड़के थे वो फेल हो गए। तो रनिंग में भी लड़के बहुत फेल हो रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और रोड मीडियम है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं लेकिन खराब भी नहीं है उतना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वो होने के बाद हम लोगों को चेस्ट और बोला गया कि जाओ तुम खा पी सकते हो, 10-15 मिनट के लिए टाइम दिया गया, और हम लोगों को 10-15 मिनट खाने के लिए टाइम दिया गया और खा पी के उसके बाद चेस्ट का चालू कर दिया प्रोसेस, चेस्ट और हाइट का कर दिया गया चेक। तो वहाँ पे जो हाइट लग रही थी, हम लोगों को बता दूँ आप लोगों को, 1.68 से अधिक जिसकी हाइट है वो मतलब पास हो रहे थे, जिसकी भी कम है उनको फेल कर दिया जाता है। 1.68 से ज़्यादा ही हाइट चाहिए आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। और चेस्ट का मैं बात करूँ, चेस्ट तो आप लोगों को मैं नहीं बता सकता, वीडियो शाम तक आएगी उसकी। चेस्ट आप लोगों को थोड़ा दाब के नापा जा रहा है, चेस्ट में अच्छा नापा जा रहा है, बहुत सारे लड़के फुला नहीं पा रहे हैं, मेरा भी नहीं फुला चेस्ट, मैं उसमें ही फेल हो गया। 79 से 81 तक मेरा फुला, तो मैं फेल हो गया चेस्ट में ही। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के चेस्ट में फेल हो रहे हैं, और ये आप लोग ध्यान रखना। तो चेस्ट में लड़के 20 फेल हुए थे और हाइट में 40 लड़के फेल हुए थे, तो 171 में से 60 लड़के फिर फेल हो गए, तो टोटल बंदे बचे 111। तो 111 बंदे का टेस्ट हुआ होगा, उसके बाद मेरे को नहीं पता है, लेकिन चेस्ट में आप लोगों को 20 लड़के छटे हैं। और इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं, डॉक्यूमेंट में आप लोगों को दिखा देता हूं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप लोगों को ये ऐसा होगा जो 10th का रहता है, 2 साल के बाद मिलता है जो भी, ये आप लोगों को ले लेना है। और आप लोगों को इसके बाद फोटो पासपोर्ट साइज का ले लेना है, पासपोर्ट साइज का 4 या 5 फोटो ले लेना है। और जो जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ उसका 2 कॉपी 2-2 लेना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ उसका 2 कॉपी 2-2 को ले लेना है। और ये 10th का मार्कशीट लगेगा आप लोगों को, ये आप लोग देख सकते हैं, सबका 2 कॉपी लेना है 2-2, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये सबसे जरूरी है, बहुत सारे लड़के छट रहे हैं इसमें, तो इसको जरूर लीजिएगा। ये है होटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अच्छे से बनवाइएगा होटल से, क्योंकि
जो डुप्लीकेट बनवा के जा रहे हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी लड़के निकाल दिए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को और बता दूं, और इसके बाद आप लोगों को ये जरूरी है, निवास जो है, निवास जरूरी है। आप लोग ये देख सकते हैं ऐसा ही होगा निवास, इसका भी टू कॉपी ले लीजिएगा। सब जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबका टू कॉपी दो दो लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और मैं इसके बाद बता दूँ आप लोगों को, ये एडमिट कार्ड है, ये गेट पे आप लोगों को चेक हो जाएगा, एडमिट कार्ड ये गेट पे ही चेक हो जाता है, तो जरूरी ये भी ले लीजिएगा, इसका भी एक टू कॉपी एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा। और सब मैं आप इसके बाद मैं बता दूं, वो भी जरूरी है, जो BSF का जो ऑनलाइन की रिसीविंग मिल रहा था ये वाला, ये भी आप लोगों को ले लेना है साथ में, ये ऐसा होगा रिसीविंग, ये ले लेना है। और देखिए दोस्तों, मेरे को ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं चेस्ट में फेल हुआ उसके बाद मेरे को क्या मिला है। तो मेरे को ये एक ये छोटा वाला ये मिला है, और इसके बाद ये बड़ा वाला डॉक्यूमेंट मिला है, दो मिला है हमको पेज वाला। तो इसमें हमको देख सकते हैं, यहाँ पे चेस्ट में यहाँ पे फेल कर दिया गया है, और मेरे को रनिंग में पास आउट भी दिया गया है, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं रनिंग क्या है, और हाइट वगैरह मेरा हाइट नापा गया था 72.5 है, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा 72.5, वेट 56 kg है, और मेरा चेस्ट 79 से 81 तक खुला था, इसलिए मैं देखो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और तो दोस्तों एक चीज मैं बताने को भूल गया था, जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट लग रहा था वो आप लोगों को ले लेना है, सेंटर लेवल का नहीं चाहिए, केंद्रीय लेवल का चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा।